नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूँ एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान ट्रिक भी बताऊंगा। दोस्तों, ये मैथ का पार्ट नंबर 61 है। दोस्तों, आपके लिए मैथ पार्ट वाइज करा रहा हूँ, रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ, और पार्ट वाइज में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन होते हैं सेट पैटर्न वो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए दोस्तों आप सारे पार्टों को जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्नों के लिए दोस्तों आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बिना पेन उठाए दोस्तों सेकंडों में सॉल्व किया जाता है इस टाइप के प्रश्नों को। प्रश्न पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न है दोस्तों, मैंने एक बिल का 3/5 भाग भुगतान किया है, यदि बिल का 400 रुपये अब भी चुकाना शेष है तो बिल का कुल रकम कितना था, ये क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूं, आसान तरीका। देखिए, इसको दो तरीका से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, कह रहा है कि मैंने एक बिल का 3/5 भाग भुगतान किया। 3/5 भाग का मतलब क्या होता है दोस्तों, यहां पर समझिएगा। 3/5 भाग का मतलब होता है टोटल भाग जो है दोस्तों वो आपका 5 है, उसमें से कितना भाग भुगतान कर दिया दोस्तों, 3 भाग भुगतान कर दिया। 3/5 का मतलब समझ गए, तो 3 भाग भुगतान कर दिया, ठीक है, 5 भाग में से, समझिएगा। 3/5 भाग का मतलब 5 भाग में से 3 भाग भुगतान कर दिया। कह रहा है यदि बिल का 400 रुपए अब भी चुकाना शेष है, तो बताइए दोस्तों भाग में कितना चुकाना शेष है, 2 भाग। कि देखिएगा यहां पे समझिएगा, 5 भाग में से 3 भाग तो जमा कर दिए, बचेगा कितना दोस्तों, 2 भाग बचेगा, यही 2 भाग चुकाना शेष है, और रुपए में यही 2 भाग कितने रुपए के है दोस्तों, बराबर 400 रुपए के बराबर। तो 2:1 बराबर, रेशियो से समझ लीजिएगा, 2:1 बराबर दोस्तों 400 रुपए। तो 1:1 बराबर दोस्तों क्या होगा बताइए, 1:1 बराबर क्या होगा दोस्तों, 200 रुपए, ठीक है, 1:1 बराबर 200 रुपए होगा। तो पूछ रहा है तो बिल का कुल रकम कितना था, बिल कितने भाग का था दोस्तों, 5:1 में था ना, 5 भाग में। तो 1:1 बराबर दोस्तों जब 200 रुपए है, तो 5:1 बराबर दोस्तों क्या होगा, 5 × 10 क्या होगा दोस्तों, 5 × 10 मतलब 1,000 रुपए हो जाएगा। जब 1:1 बराबर 200 रुपए है, तो 5:1 बराबर क्या होगा, 1,000 रुपए। तो बिल कुल कितना रकम का था दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा, 1,000 रुपए। देखिए 1,000 रुपए किस ऑप्शन में है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको दोस्तों बताता हूं, एक और टाइप होता है, दूसरे टाइप से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा मेथड ये है दोस्तों, जब 3/5 भाग भुगतान कर दिया, देखिएगा दूसरा मेथड है, टोटल भाग 1 है, 1 में से आप क्या करेंगे, 3/5 माइनस कर देंगे, ठीक है, 1 में से दोस्तों जब 3/5 माइनस करेंगे तो कैसे माइनस होता है, देखिएगा पूरा भाग में से जब 3/5 घटाएंगे तो शेष भाग आ जाएगा। चलिए तो देखिए, यहां पे 5 से 1 में गुणा करेंगे, 5 × 5 और 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, तो आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, 2/5, ठीक है, ये हो जाएगा 2/5 भाग बिल का शेष है, ठीक है। और ये जो 2/5 है दोस्तों, ये कितने रुपए के बराबर है, 400 रुपए के बराबर है। तो पूरा भाग कितने के बराबर होगा दोस्तों, तो हम कैसे करेंगे इसको, 400 × ये जो 2/5 है ना, बराबर को उधर जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, 5/2 हो जाएगा, ठीक है, ये तो आपको बेसिक वाले चैनल पे भी बताऊं, ठीक है। देखिए 2 से इसको कटाएंगे तो 2 × 4 और ये 2 × 0 हो जाएगा, 200 × 5 करेंगे तो क्या होगा, 1,000 रुपए हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों, रेशियो से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ऐसे भी आपका आंसर क्या होगा, 1,000 ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक चीज और बता दूं दोस्तों, लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, होमवर्क के तौर पे, टेस्ट के तौर पे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और जिसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना है। सारे सिंसियर स्टूडेंट जितने भी हैं, सारे लोग कमेंट करते हैं, जो लोग नहीं कमेंट करते हैं तो आप भी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, उसका आंसर बताइए क्या होगा। चलिए लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगा, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 और 24 दिन में कर सकते हैं, वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं और
तब ए चला जाता है, शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। क्वेश्चन आप समझ लेंगे तो सॉल्व भी कर लेंगे। क्वेश्चन मैं आपको पहले समझा देता हूं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। कह रहा है ए और बी है, एक काम को 18 और 24 दिन में क्या है दोस्तों कर सकते हैं। ए 18 दिन में कर सकता है, बी 24 दिन में कर सकता है। कह रहा है वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं, दोनों मिलकर क्या किए हैं दोस्तों 8 दिन तक काम करते हैं। और फिर होता क्या है दोस्तों, ए चला जाता है। अब कह रहा है कि जो काम बच गया है शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान मेथड होता है दोस्तों एलसीएम मेथड। देखिए एलसीएम मेथड कैसे लगाते हैं मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा कौन है दोस्तों, एक है ए, कितने दिन में काम पूरा कर सकता है दोस्तों, ये ए है 18 दिन में काम को पूरा कर सकता है। एक और कौन है दोस्तों, बी है, ये काम को कितने दिन में कर सकता है पूरा 24 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 18 और 24 का एलसीएम लेंगे। ठीक है 18 और 24 का दोस्तों एलसीएम क्या होगा 72। एलसीएम निकालना भी आपको बेसिक वाले चैनल पे बताऊं, बेसिक वाले चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बेसिक चीजें आप नहीं जानते हैं तो उस चैनल पे जरूर जाए, ठीक है, सारी चीजें वहां पे आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए तो 18-24 का दोस्तों एलसीएम क्या होगा 72 होगा। अब देखिए मान लेंगे टोटल दोस्तों जो काम है वो 72 यूनिट है, ये 18 दिन में करता है तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 18 चौक 72, 72 को 18 से भाग करिए, एक दिन में क्या होगा 4 यूनिट काम करेगा। तभी तो 18 दिन में ये पूरा यूनिट काम कर लेगा ना, पूरा काम समाप्त कर लेगा 18 चौक 72। ठीक है क्लियर है। अब देखिए बी 24 दिन में करता है तो 72 यूनिट काम है, तो एक दिन में ये कितना यूनिट काम करेगा, 72 को 24 से भाग कर दीजिए, 24 या 72, एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। ठीक है, तभी तो 24 दिन में 72 यूनिट यानी 24 दिन में पूरा काम समाप्त कर लेगा। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए करना क्या है, आगे वाली लाइन पढ़िए, वे एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। तो चलिए एक दिन में ये दोनों एक साथ मिलकर कितना यूनिट काम करेंगे दोस्तों, ए 4 यूनिट करेगा, बी कितना यूनिट करेगा 3 यूनिट, 4, 3, 7 यूनिट, एक दिन में ये 7 यूनिट काम करेंगे। और कितने दिनों तक काम साथ करते हैं दोस्तों, 8 दिनों तक काम करते हैं, तो 8 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 8 × 7 = 56 यूनिट काम कर लेंगे। बचेगा अब कितना यूनिट दोस्तों, अब क्या होगा 8 दिन काम करने के बाद ये चला जाता है, यहां लिखा है ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, बेसिक से अच्छे से समझते चलिए। जब देखिए जब 56 यूनिट काम हो चुका है और टोटल काम 72 यूनिट है, काम बचा कितना है दोस्तों, अब आप बताइए क्या करेंगे, 72 में से 56 को घटाएंगे। जब 72 में से दोस्तों 56 को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 16 यूनिट, काम बचा है 16 यूनिट। अब कह रहा है शेष काम कौन है, 16 यूनिट, शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी एक दिन में दोस्तों कितना यूनिट काम कर रहा है, तो देखिए अभी हमने निकाला था ना बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है और टोटल काम क्या है 16 यूनिट। तो आप क्या करेंगे दोस्तों 16 को 3 से भाग करेंगे। देखिए भाग कैसे करना है, देखिए ये 16 है इसको आप 3 से भाग करिए, तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा और नीचे जब 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब इसको सही बटा में कैसे लिखा जाता है, 5 सही जो नीचे है शेष में आया उसको ऊपर अंश में लिख देते हैं और जिससे भाग दिया गया है 3 से उसे हर में लिख देते हैं। तो 5 सही 1/3 दिन में बी शेष काम पूरा करेगा। अब देखिए 5 सही 1/3 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो देखेंगे 5 सही 1/3 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं समझ में आते हैं तो वीडियो को दोस्तों अभी लाइक कर दीजिए और अभी फटाफट शेयर कर दीजिए आपके पास दोस्तों जितने भी स्टडी ग्रुप हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी दोस्तों स्टडी ग्रुप हो उसमें शेयर आप जरूर कर दीजिए। जो नए स्टूडेंट है वो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको डेली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले, क्योंकि दोस्तों मैं उन्हीं प्रश्नों को कराता हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में डेली पूछे जाते हैं, यानी बार-बार पूछे जाते हैं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। देखिए कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है ए तथा बी किसी व्यवसाय में हिस्सेदारी करते हैं, ए
5,000 रुपये 1 वर्ष के लिए लगाता है तथा बीस 7,500 रुपये 6 महीने के लिए लगाता है। वर्ष के अंत में यदि 7,000 रुपये का लाभ होता है तो उसमें बी का हिस्सा होगा। बी का हिस्सा क्या होगा, किसमें जो लाभ हुआ है 7,000, इसमें बी का हिस्सा क्या होगा। दोस्तों आपको बता दूं, इस टाइप के प्रश्न आएगा तो देखिए आसान क्या मेथड होता है, जिस रेशियो में दोस्तों समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट है, जिस रेशियो में दोस्तों ये निवेश किए हैं उसी रेशियो में क्या होगा, इनको लाभ भी मिलेगा। यानी जो ज्यादा रुपए लगाएगा ज्यादा दिन के लिए लगाएगा उसे ज्यादा मिलेगा, जो कम रुपए लगाएगा कम दिन के लिए लगाएगा उसे क्या होगा, कम मिलेगा। तो देखिए कैसे निकालेंगे दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, ए और बी हैं। ए कितना रुपए दोस्तों, 5,000 रुपए 1 वर्ष। देखिए ए क्या है दोस्तों, यहां पे समझिएगा 5,000 रुपए, ठीक है, कितना रुपए 5,000 रुपए, कितने के लिए 1 वर्ष के लिए, यानी कि 12 महीने के लिए लगाता है, ठीक है। अब यहां पे इस टू कर ले रहे हैं अनुपाते। बी क्या है, 7,500 रुपए, कितना दोस्तों 7,500 रुपए 6 महीने के लिए लगाता है, तो गुने क्या करेंगे 6। अब ये इनका निवेश का रेशियो आ जाएगा, इसको क्या करेंगे दोस्तों आप कटा के छोटा कर लीजिए। कटाते कैसे हैं, देखिए 6 दुना के 12, और यहां देखिए 2 जीरो है 7,500 में ना, 7,500 में, इधर 5,000 में से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर देखिए 25 तिया 75 और 25 दुना के 50, और इधर हो गया 2 गुने 2 4 हो जाएगा, और इधर क्या होगा दोस्तों 3। यानी किस अनुपात में दोस्तों ये निवेश किए हैं, 4:3 के अनुपात में, किस अनुपात में 4:3। देखिए मिटा के एक बार और बताता हूं, कितने रेशियो में दोस्तों 4:3, यहां तक तो क्लियर था ना। चलिए 4:3 के अनुपात में दोस्तों ये निवेश किए हैं, तो लाभ भी क्या होगा दोस्तों 4:3 के अनुपात में ही मिलेगा। देखिए अब करना क्या है दोस्तों, रुपए कितना है लाभ, 7,000 रुपए इन्हें लाभ होता है। पूछ क्या रहा है दोस्तों, बी का हिस्सा, बी किस अनुपात में निवेश किया है दोस्तों, 3 अनुपात में, 3 अनुपात में निवेश किया है। टोटल अनुपात क्या है, 4:3, 4:3 को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। अनुपात का मतलब क्या है, अनुपात बटा अनुपातिक योग, ठीक है, यानी समझिएगा 3 बटा 3 प्लस 4, यानी 4 प्लस 3 जोड़ लेंगे, 3 बटा क्या होगा 7, टोटल 7 भाग में देखिए क्या होगा, बी को कितना मिलेगा 3 मिलेगा, पिछले क्वेश्चन से आपको पूरा क्लियर होगा। और कितने रुपए है दोस्तों, टोटल 7,000 रुपए है, ठीक है 7,000, ये 7 से 7,000 1,000 टाइम में कट जाएगा, यानी 1,000 बार में कट जाएगा। 1,000 × 3 का मतलब क्या होगा दोस्तों, 3,000 रुपए, ठीक है। बी का हिस्सा क्या होगा दोस्तों, 3,000 रुपए होगा। अब देखिए 3,000 रुपए किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक चीज और बता दूं दोस्तों, आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि हम करंट अफेयर साइंस की भी डेली वीडियो प्रोवाइड करें, तो दोस्तों आपको बता दूं एसएससी मेगा चैनल पे दोस्तों डेली मॉर्निंग में 5 PM पे मैम करंट अफेयर पढ़ाती हैं, करंट अफेयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराती हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने योग्य होते हैं, साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताती हैं। एक और मैम है दोस्तों जो 2 PM पे आपको साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराती हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे गए होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जिन्हें ज्यादा पूछे जाने की संभावना एग्जाम में होती है, उन प्रश्नों को कराती हैं। और डेली दोस्तों मैं आपको 8 PM पे एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग की क्लास लेके आता हूं, सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कराता हूं जो आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे गए होते हैं या जिन्हें ज्यादा पूछे जाने की संभावना होती है। तो देखिए दोस्तों एसएससी मेकर चैनल पर डेली दोस्तों 3 क्लासेस चलती है, तीनों क्लासेस को मिस ना करिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, कहीं भी आपको प्रॉब्लम भी होती है तो आप नीचे कमेंट करेंगे तो भी चैप्टर हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। तो खूब मन लगा के पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, सारे क्लासेस को आप ज्वाइन करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मैं बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, शॉर्ट ट्रिक, देखिएगा सेकंडों में सॉल्व किया जाता है ऐसे प्रश्नों को। कैसे, तो क्वेश्चन पहले पढ़िए। क्वेश्चन है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, परंतु बी ए से 20% अधिक दक्ष है, दक्ष है यानी कुशल है, यानी अधिक कार्य करता है, सिंपल भाषा में समझिएगा। कह रहा है बी उस कार्य को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, बी को उस काम को समाप्त करने में कितने दिन लगेंगे, ये क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों पहले इसको कहां से सॉल्व करेंगे, देखिए यहां कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, यहां पे दूसरा लाइन पढ़िएगा, दूसरा लाइन जो कह रहा है परंतु बी ए से 20% अधिक दक्ष है, देखिए एक ए है, कितने लोग हैं दोस्तों,
एक बी है, दो लोग है ना, कह रहा है परंतु बी ए से 20% अधिक दक्ष है। यानी देखिए बी की अगर अगर जो ए की बात करें तो ए दोस्तों अगर 100 यूनिट काम कर रहा है तो बी 20% अधिक दक्ष है, तो ये क्या करेगा दोस्तों 120 यूनिट काम करेगा। यहां तक तो क्लियर हो गया ना, 20% जब अधिक दक्ष है, देखिए कह रहे हैं ना परंतु बी ए से 20% अधिक दक्ष है, ठीक है, तो यानी जो दक्षता है दोस्तों क्या होगी 120 होगी बी की और ए का क्या होगा 100 होगा। अब देखिए एक बात का दोस्तों ध्यान दीजिएगा और याद भी रखिएगा, काम और समय में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है उल्टा संबंध होता है। पहले इसको रेशियो में थोड़ा सा छोटा करिए, ये देखिए 20 से कटा लीजिए, 20 25 100 हो जाएगा, ये 20 × 120 यानी कि ये जो काम का इनका रेशियो है ये 5:6 है। यानी कि ए दोस्तों एक देखिएगा, ए दोस्तों 5 यूनिट काम कर रहा है उतना ही समय में बी क्या करेगा दोस्तों 6 यूनिट काम करेगा। तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों काम और समय में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है यानी उल्टा संबंध होता है। अब देखिए अब दोस्तों समय क्या होगा, देखिएगा अब जो टाइम लगेगा दोस्तों यहां पे देखिएगा उल्टा होगा, यानी कि 6:5 हो जाएगा, यानी कि ए दोस्तों 6 घंटे टाइम लेगा तो बी क्या होगा दोस्तों 5 घंटे टाइम लेगा। समझ रहे हैं ना, काम और समय में क्या होता है व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है यानी उल्टा संबंध होता है। जो ये रेशियो आया इसको आप सीधा सीधा क्या करेंगे पलट देंगे 6:5। चलिए और यहां पे कह रहा है ये किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी कि जो रेशियो है दोस्तों 6:5 की है तो 6:12 दिन, तो 1:2 क्या होगा बताइए, 1:2 होगा दोस्तों 2 दिन, ठीक है, यहां पे समझिएगा 6:12 दिन, क्योंकि दोस्तों ए का जो रेशियो है 6:6 है और काम क्या हो रहा है 12 दिन में समाप्त कर रहा है, 6:12 दिन तो 1:2 क्या होगा 2 दिन। और पूछ क्या रहा है दोस्तों बी, बी क्या है दोस्तों बी का रेशियो है 5, तो 5:12 क्या होगा दोस्तों 5×10 दिन, तो बी उस काम को समाप्त करने में कितना दिन लेगा दोस्तों 10 दिन लेगा। देखिए 10 दिन किस ऑप्शन में है, देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इस प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है शेयर नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए फटाफट फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, ये टेस्ट का क्वेश्चन है, ये आज का प्रश्न है दोस्तों, इसका आंसर सभी दोस्तों को कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा। जिन दोस्तों को नहीं पता इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों मैथ का पार्ट नंबर 60 देख लेंगे, पार्ट नंबर 60 का क्वेश्चन नंबर ये तीसरा है, पार्ट नंबर 60 में दोस्तों इसको फुल डिटेल में मैं समझाया दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बिना पेन उठाए सेकंडों में सॉल्व किया जाता है। पार्ट नंबर 60 आपको मिलेगा कहां से दोस्तों, इसका लिंक है ऊपर आई बटन पे दे दिया दोस्तों, यहां आई बटन पे क्लिक करके आप डायरेक्ट पार्ट नंबर 60 देख सकते हैं। एक चीज और बता दूं जो नए स्टूडेंट है उनके लिए बता दूं दोस्तों, ये पंचम पब्लिशर की ईबुक है, आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप दोस्तों रेलवे की एग्जाम देंगे एसएससी की एग्जाम देंगे या अदर आप दोस्तों कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे दोस्तों, इस ईबुक में उन प्रश्नों को शामिल किया गया है जो प्रश्न आपके बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो प्रश्न हमेशा आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं दोस्तों। इस ईबुक को आप लेंगे कहां से, इसका लिंक दोस्तों मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, उस लिंक पर क्लिक करके इस ईबुक को आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको डाउनलोडिंग या पेमेंट से दोस्तों किसी प्रकार की समस्या भी होती है तो दोस्तों ये पंचम पब्लिशर का कस्टमर केयर नंबर है, इस नंबर पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। इस ईबुक को दोस्तों मैं खुद देखा हूं, इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दिए गए हैं जो बार बार आपकी एग्जाम में रिपीट होते हैं, इसलिए दोस्तों एग्जाम से पहले पहले इस ईबुक को एक बार लेके आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और एक चीज बता दूं दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं समझ में आए हैं वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा शेयर भी कर दीजिएगा फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम जितने भी दोस्तों आपके पास स्टडी ग्रुप हो, जो नए स्टूडेंट है वो हमसे जरूर जुड़ जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको डेली सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।